गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आप PGT की परीक्षा दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं कि न्यूट्रल कलर कौन सा है, उदासीन कलर कौन सा है। मैं कई बार देखती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है, पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलो, अगले वीडियो में मैं आपको जब भी बताऊँगी तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, कितने प्रकार के कलर हैं, न्यूट्रल कलर, कौन सी कलर की क्या क्वालिटी है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो जो आपने न्यूट्रल कलर देखा था, ये कौन सा कलर न्यूट्रल कलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद रंग या ब्लैक कलर कोई कलर ही नहीं होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग तो कई रंगों का मिश्रण है और ब्लैक कलर भी कोई कलर नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल कलर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आज मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। आज मैं टेक्स्ट जो पहले भी बताए थे आपको, एम्ब्रॉयडरी पर, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कौन कौन सी है, उसके बारे में पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा क्लास लिया हुआ है, बकायदा मैंने कपड़े दिखा करके आपको क्लास लिया हुआ है। तो आज मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी चिकनकारी, कश्मीर की कढ़ाई, आपके कान था, बंगाल का कान था, ये काफ़ी ऐसे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हैं इंडिया के, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज बता रही हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए आज मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ आपको। वो ये है कि गुलकारी है, गुलकारी है फारसी का शब्द, अंग्रेजी का शब्द, संस्कृत का शब्द या लैटिन का शब्द? गुलकारी, आप सब जानते होंगे पंजाब की फुलकारी। फुलकारी को ही हम फारसी भाषा के में गुलकारी बोलते हैं। गुल भी मतलब, गुल का मतलब भी होता है फूल, तो गुलकारी है फारसी का शब्द। करेक्ट आंसर क्या है? फारसी का शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हो, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब में फुलकारी को कहते हैं, पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को कहते हैं बाग, फूल, चोप या तिलपत्रा? क्या करेक्ट आंसर है? जिन बच्चों ने डेप्थ में स्टडी की है वो तो फटाफट इसका आंसर दे देंगे, और जिन्होंने नहीं करी है वो तो फिर सोचते रहेंगे कि इसमें से कौन सा होगा। पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को कहते हैं बाग, फूल, चोप या तिलपत्रा? क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बाग। पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को बाग कहते हैं, ठीक है ना, बाग, बगीचा वाला बाग, याद रखना। फुलकारी को क्या कहते हैं? बाग कहते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के जो डिजाइन बने होते हैं, फूल पत्तियों का रंग बिरंगे, पंजाब की महिलाएं जो इतनी कर्मठ होती हैं, मेहनती होती हैं, जो उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करती हैं, वो वास्तव में अनूठा होता है, देखने योग्य होता है। पंजाब की फुलकारी की आप देखो दुपट्टे, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, अभी फिलहाल मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिला पास में, अन्यथा मैं दिखाती आपको। बहुत मेहनती होती हैं वहाँ की औरतें और तैयार करती हैं। तो पंजाब की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है वो है आपका फुलकारी, और पश्चिमी पंजाब में इसको बाग कहते हैं। तीसरा है क्वेश्चन आपका फुलकारी से ही, घूंघट बाग है, आपने नाम सुना होगा ना, शालीमार बाग, मिर्ची बाग, बैंगन बाग, पढ़ाया था मैंने पिछले, आप मेरा वीडियो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया में देखना, और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया का आप देखना, खोल करके आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो घूंघट बाग है, क्या है घूंघट बाग? ऑप्शन आपके पास, तिकोना लाल रंग का शॉल, या सात रंगों से बना शॉल, या गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद धागे से कढ़ाई वाला चद्दर, या इनमें से कोई नहीं? बोलो, घूंघट बाग है तिकोना लाल रंग का शॉल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सात रंगों से बना शॉल। तीसरा है गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर, मतलब जो कपड़ा है
वह गहरे नीले रंग की है, उस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की गई है। वैसा चद्दर या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा सही है बताओ आप। द करेक्ट आंसर इज, क्या है करेक्ट आंसर बताओ, तिकोना लाल रंग का साल, नाम है ना घूंघट बाग। अब घूंघट प्रथा हट गया है, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति में जब लड़कियों की शादी होती थी है ना, दुल्हन को घूंघट ओढ़ाया जाता था, घूंघट प्रथा आज भी है, जिसका उद्देश्य होता है कि अब बड़ों के सामने जेठ हैं जेठानी हैं सास है ससुर है उनके सामने पर्दा करना या इज्जत करना, घूंघट। तो घूंघट बाग में क्या है वो होता है, ये तिकोना लाल रंग का शॉल होता है जिसको हम कहते हैं घूंघट बाग। विवाह के अवसर पर ये शॉल लड़की को ओढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनकारी में मुख्य रूप से टांकों का प्रयोग किया जाता है। चिकनकारी जो उत्तर प्रदेश की, हमको पता होगा लखनऊ की चिकनकारी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी काफ़ी फेमस है। आज जो मैंने साड़ी पहन रखी है तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पढ़ाऊँगी, तो कुछ मैं खुद भी आज की मैंने जो साड़ी यूज किया है वो देखो लखनऊ का ही चिकनकारी है, दिख रहा है क्या, ये लखनऊ की चिकनकारी। इसमें मुख्य रूप से जो टांके का उपयोग किया गया है वो देखो, पूरी साड़ी की जो सुंदरता है ना, वो जो डिजाइन है, जो फ्लावर है, जो पत्तियां हैं, उसमें बहुत सारे टांकों का कितने उपयोग है बताओ, कोई लड़की बता सकती है कि इसमें किन किन टांकों का उपयोग किया गया है। आज जो मैं साड़ी पहनी हूँ देखो, इसको दिख रहा है आपको, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, इसकी उल्टी तरफ भी मैं दिखाती हूँ, पूरी डिजाइन ही आँचल वाला है, पल्लू वाला पार्ट है जो कहते हैं पल्लू वाला पार्ट है ये, और बॉर्डर वाला पार्ट आपका ये है। इसमें मुख्य रूप से दूसरी तरफ भी देखोगे तो मुख्य रूप से इसमें तो मुझे दो ही टाके दिख रहे हैं। तो ये अक्सर आता है कि फुलकारी में, अभी भी कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा था और कंफ्यूज हो रहे थे कि फुलकारी में किन टाकों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो देखो पूरी साड़ी में मुख्य रूप से दो ही टाके इसमें उपयोग किए गए हैं, एक है हेरिंग बोन, दिख रहा है बिल्कुल हेरिंग बोन, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, और दूसरा है इसका मूरी, जो गांठे जैसा है, गांठ जैसा मूरी है ना। तो ये प्रश्न है हमारे पास, चिकनकारी में मुख्य रूप से टाकों का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से, हेरिंग बोन, मूरी, स्टेम या उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर क्या होगा। जब हेरिंग बोन हो गया, स्टेम हो गया और मूरी हो गया, तो आपने देख लिया कि पूरी साड़ी में मुख्य रूप से दो टाकों से ही बना हुआ है ना, और तीसरा जो स्टेम है वो मशीन से किया हुआ है, हाथ से नहीं किया हुआ है, बखिया मशीन की है, तो इसको स्टेम स्टिच नहीं बोलते हैं, उल्टी बखिया को हम कहते हैं स्टेम स्टिच। तो आपको दिख रहा है नहीं ट्रेडिशनल, ये देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चिकनकारी में याद रखो, ये भी देखो दूसरी साड़ी के मैं पल्लू दिखाती हूँ, पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये साड़ी जो है ये भी मुख्य रूप से जॉर्जेट पर बना हुआ है, और ये डिजाइन देखो इसका, उल्टी तरफ से भी दिखाती हूँ, उल्टी तरफ से भी जो दिखा हुआ है, तो कौन से टाके हैं मुख्य रूप से, हेरिंग बोन और मूरी। तो दो आप मैं नहीं समझती हूँ कि चिकनकारी में कभी भी स्टेम आएगा तो आप भूलोगे, दिख रहा है ना आपको, पूरी आंचल जो है, पूरा जो पल्लू है इसका, वो दो ही स्टिच से बना हुआ है, दो ही टाके इसमें प्रयोग में लिए गए हैं, और कौन दो से टाके हैं, मेनली है हेरिंग बोन और दूसरा है मूरी। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट मालूम हो गया, कौन सा स्टिच था, कौन से टाके थे। चिकनकारी में मुख्य रूप से जो टाकों का प्रयोग किया जाता है वह होता है
मूरी, हेरिंग बोन। अब मूरी किसको कहते हैं? गांठों वाला होता है स्टिच। आगे क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। ये देखो, जिसमें फ्लावर के बीच बीच में, ये फ्लावर देखो तुम बना हुआ है, क्या फूल बना हुआ है। अब फूल में उभार देने के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला उंगली वाला पार्ट मेरा देखना, ये देखो फ्लावर दिखा रही हूँ। फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसको मूरी डिजाइन से, मूरी टाके से बनाया गया है। मूरी से, मूरी होता है गांठे वाला टाका, जिससे कि उभार आ जाता है और कढ़ाई अत्यंत सुंदर दिखती है। तो आपको दिख रहा है नहीं, ये देखो दिख रहा है अच्छी तरीके से, दिखा आपको। इसका उल्टा पल्ला भी दिखा देती हूँ, उल्टी तरफ वाला बॉर्डर है ये इसका, उल्टी साइड का, सीधी साइड का बॉर्डर आपको दिखाऊं। तो ये मुख्य रूप से दो ही टाके से बने हुए हैं। पूरी साड़ी में जो डिजाइन आप देख रहे हो, ये दो ही टाके से बने हुए हैं। और कलर आपको मालूम है, दिख ही रहा है आपको, ब्लू कलर पर व्हाइट कलर के धागे का उपयोग किया गया है। धागा भी कौन सा है? सूती धागे का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो चिकनकारी में आप गलतियां नहीं करोगे, ऐसा मैं समझती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मूरी में कौन कौन से टाके होते हैं? मूरी होता है गांठ वाला टाका, जो मैंने अभी आपको बताया। फूल के नमूने का बीच वाला जो भाग है, जिसमें उभार दिया जाता है, वो मूरी टाकों से भरा जाता है। अच्छा, इसी से एक प्रश्न और आ सकता है कि चिकनकारी में शैडो कारी किया जाता है। शैडो मीन्स छाया, शैडो का हिंदी क्या होता है? छाया। शैडो कारी कैसे किया जाता है? तो शैडो देखो, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ अब वापस, इसको ध्यान से देखना। डिजाइन इधर बनी है, क्या है डिजाइन देख रहे हो ना? हेयरिंग बोन इस साइड से ये वाला बना हुआ है, ये वाली पोर्शन, ये बनी है डिजाइन, दिख रहा है आपको अच्छी तरह से डिजाइन बना हुआ है। और इसका शैडो छाया वाला पार्ट किधर से बन रहा है? ये आ रहा है छाया, उधर जो बना है डिजाइन उसी का छाया इधर आ रहा है, उसी का शैडो ये आ रहा है। तो शैडो किससे बनता है, कौन सी टाँके से बनता है, अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? हेयरिंग बोन से शैडो बनाया जाता है, और यही इस टाँके की सुंदरता होती है, यही पूरे साड़ी में दिया जाता है ना, बनाया जाता है। आप ये देख लो पूरा शैडो वर्क किससे किया जाता है, अगर कोई प्रश्न आए शैडो वर्क किससे किया जाता है, तो आराम से लिखोगे बिना हिचकिचाए, बिना डरे, है ना। ना तो इसमें कच्चा टाका का शैडो है, ना ही इसमें स्टेम स्टिच का शैडो है, दूसरा कोई स्टिच का शैडो नहीं है, शैडो वर्क किया जाता है हेयरिंग बोन से, समझ गए? किसे किया जाता है? हेयरिंग बोन से। इसको आप खटाऊ टाका भी कहोगे, अगर हेयरिंग बोन ना रहे, खटाऊ टाका रहे, तो आप खटाऊ टाका समझ दो। खटाऊ टाका का मतलब ही होता है हेयरिंग बोन, उल्टी तरफ से हेयरिंग बोन किया जाता है, इसी से साइड ओवर होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और चिकनकारी में अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो, बखिया, मान लो यहाँ पर ये नहीं है, बखिया है, मैंने दो चीज़ दिखाया आपको, एक मूरी दिखाया, एक हेरिंग बोन दिखाया, इसके अलावा अगर और टाके का नाम आ जाए, बखिया, फंदा, टेपची, जाली, है ना, खटाऊ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये भी इसका भी उपयोग किया जाता है। टेपची क्या होता है? साधारण कच्चा टाका होता है, टेपची याद रखना, टेपची साधारण कच्चा टाका होता है, जिसे डार्निंग टाका भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास इस प्रकार का एक सूट था ऑरेंज कलर का, तो उसमें मैं अभी मुझे दिखा नहीं, तो मैं उसमें भी ये जो टाके मैंने आपको बताया ना, साधारण कच्चा टाका, स्टेम टाका, उससे भी बना हुआ वो मेरे पास सूट है, मैं कभी देखूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखना कि
चिकनकारी में मुख्य रूप से जो टांके का उपयोग किया जाता है, बखिया होता है, मोरी होता है, फंदा होता है, टेपची होता है, खटाऊ होता है और जाली भी होता है। अब जाली देखो कहाँ मिलेगा, अब देखो इसी इस साड़ी को तुम ध्यान से देखोगी ना तो कहीं कहीं इसको जाली बनाया गया। ये वाली पोर्शन को मैं दिखा रही हूँ, ये देखो जाली है, वस्त्र में जाली जाली के लिए काटा नहीं जाता है, बल्कि ये देखो जाली दिख रहा है आपको, ये वाली पोर्शन जाली वाला पोर्शन जो मैं हाथ में ली हूँ, कहाँ चला गया, ये देखो जाली जाली। तो जाली क्या है, इसी कपड़े को अत्यंत कलाकारी से, अत्यंत निपुणता के साथ कपड़े को हटाया जाता है, फिर इसमें जाली बनाई जाती है, जिससे देखो फ्लावर बना हुआ है ना चारों तरफ से, आपको दिख रहा है ना फ्लावर है, अब फ्लावर का बीच का पोर्शन है वो जाली बना हुआ है। ये पल्लू में खास करके दो तीन कई जगहों में जालू है, जाली है, ये देखो जाली वाला पोर्शन मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना। और जाली भी कैसे डिजाइन से बने हुए, जाली को भी ध्यान से देखोगी ना तो जाली में फ्लावर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे गोल गोल फ्लावर्स, अगर ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा, हो सकता है वीडियो में ना दिखाई पड़े पर जाली भी इसी तरह से बना है। तो इस पूरी साड़ी में जो मैंने देखे हैं वो दो ही तीन टाका है, एक तो आपके हेरिंग बोन है, दूसरा आपका मूरी है और तीसरा इसमें जाली है, और इसी से पूरी साड़ी की सुंदरता और पूरी साड़ी कढ़ाई इसी से किया हुआ है। फुल साड़ी तीन टाके का उपयोग करके, बहुत सारे टाके इसमें नहीं है, इसका उपयोग करके साड़ी तैयार किया गया है। तो आज मैंने आपको चिकनकारी वाला बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कराया है, इसके बावजूद भी अगर आप गलतियां करते हो बेटे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। देख लो, जाली भी देख लो, हेरिंग बोन भी देख लो और आपका मूरी स्टिच, ये आपको मैंने आज आपको अपनी साड़ी के माध्यम से जो मेरे पास था उसके माध्यम से मैंने इसके स्टिच के बारे में बताया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कश्मीर की कढ़ाई में किन टाकों का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर की कढ़ाई में किन टाकों का प्रयोग किया जाता है, हेरिंग बोन, चेन, उल्टी बखिया या उपरोक्त सभी, बोलो। अगर कश्मीर की कढ़ाई आए, ये तो मैंने चिकनकारी के बारे में बताया, कश्मीर की कढ़ाई में मुख्य रूप से किन टाकों का प्रयोग किया जाता है, हेरिंग बोन, चेन, उल्टी बखिया या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो गया क्या, उपरोक्त सभी। कश्मीर की कढ़ाई में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है सैटिन का, उल्टी बखिया का, फंदा वाला टाका का, सिंपल रनिंग स्टिच का, हेरिंग बोन का और चेन का। और जो डिजाइन होती है वो खास करके प्राकृतिक डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों वाले डिजाइन होते हैं, चिनार की पत्तियों के डिजाइन होते हैं, अंगूर के गुच्छे होते हैं, फूलों के गुच्छे होते हैं, चिड़िया होती है, विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं जो डिजाइन बनता है, खास करके मोर, तोता, वुड पेकर जिसको कटफोड़वा कहते हैं, किंग फिशर, इनके डिजाइन बनाए जाते हैं। और अगर आया कि कश्मीरी कढ़ाई करने से पहले वस्त्र पर नमूना उतारने का काम ट्रेसर द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कलम या नक्शाबंद, हसिया या तंजीर, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम नक्शाबंद। नमूने का बाहरी रेखा कलम से बनाते हैं, बीच वाला हिस्सा कोयले के पाउडर से छापा जाता है और जो ट्रेसर छापने का काम करता है उसको हम नक्शाबंद कहते हैं। देखो हमारे पास जो एक सूट है ना कश्मीर की कढ़ाई का, उसमें मुख्य रूप से चेन स्टिच का ही उपयोग किया गया है, तो ये सस्ती वाली है, अगर आप महंगी लोगे है ना, देखो क्या है, चेन स्टिच का ही उपयोग किया गया है पूरे सूट में, ये देखो सूट में चेन स्टिच का ही उपयोग किया जाता है गया है। फ्लावर हैं,
पत्तियां हैं सुंदर सुंदर, फूलों के गुच्छे हैं, ये देख लो। लेकिन अगर आप महंगे वाले शॉल लोगे, महंगे वाले सूट लोगे, है ना, ये तो सस्ती वाली है, तो इसमें इसी तरह के डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है।